मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्चुअल कैबिनेट के बाद अब प्रदेश में बंदियों की पेशी वर्चुअल होगी। जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वर्चुअल रैली और वर्चुअल कैबिनेट के बाद में हम बहुत जल्दी एक दो दिन में पेशी भी कैदियों की, जेल विभाग भी मेरे पैर लिए बता रहा हूँ, पेशी भी अब हम वर्चुअल ही कराने की दिशा में एक दो दिन में निर्णय लेने वाले हैं। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की समीक्षा के बाद मंत्री मिश्रा ने कहा कि अब हम छोटे जिलों में पुलिस कर्मियों के लिए अत्याधुनिक आवास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक सिपाहियों को आवास उपलब्ध कराएं। पुलिस के अंदर हम अत्याधुनिक मकान की शुरुआत अब छोटे जिलों से भी करने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो कांस्टेबल हैं उन भाइयों को मकान में बड़ी दिक्कत आती है, बस्तियों में रहते हैं और ये परिवार को कम समय दे पाते हैं। मैंने आज जो बैठक ली पुलिस हाउसिंग की उसमें ये भी कहा है कि जो मल्टी बने उसके अंदर एक कमरा अलग से लाइब्रेरी का भी हो, जिसमें उनके बच्चे बेटे बेटियां पढ़ के एक ठीक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ सके, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि वो ये समय परिवार को कम दे पाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। तो सरकार की ओर से भी ये पहल हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। DNA रिपोर्ट, भोपाल।